हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शास की दुनिया। सो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। सो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कबाब स्टार्टर्स। सो ये बहुत बनाना इजी है, लेट्स बिगिन। सो चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को मैरिनेट करना है, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, उसके बाद ऐड करना है 1 बिग स्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, चिली पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 स्पून ऑफ हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करना है शाही बिरयानी मसाला, अगर आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैं मसालों के लिए यूज़ किया है। ये 1 बिग स्पून ऐड करना है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है चिकन मसाला। चिकन मसाला 1 स्पून ऐड कर लेना है। तो सभी चीज़ें मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर इसे मैरिनेट करने के लिए रख देना है, एटलीस्ट 1/2 आवर रख देना है। सो 1/2 आवर हो चुका है, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैंने स्टिक्स लिया है। सो इस तरह के आपके पास स्टिक्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टिक्स को मैं ऑयल लगाऊंगी, स्टिक्स को इस तरह थोड़ा सा ऑयल लेकर ऑयल लगा लेना है, ताकि हमारा चिकन इसे स्टिक को चिपके ना, ठीक है। तो इस तरह मैंने ऑयल लगा लिया है और इसी तरह मैं सारी स्टिक्स को ऑयल लगा कर रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं जो मैंने चिकन के पीसेस कट कर रख लिए, इस तरह मैं स्टिक्स में ऐड कर लूँगी। सो मैं एक एक कर चिकन के पीसेस को इस तरह स्टिक में ऐड कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जितने चाहें इसमें ऐड कर सकती हैं। मैं मैक्स 3 to 4 ऐड करूँगी इसमें, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। देखिए इस तरह स्टिक कर लेना है। तो इसी तरह मैं अपने बाकी के भी ऐड कर लूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। सो इसी तरह मैं अपने बाकी के स्टिक्स को भी ऑयल लगाकर अपने चिकन के पीसेस को ऐड कर लूँगी। सो इस तरह मैं अपने सारे स्टिक्स को रेडी कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर लेना है। सो ऑयल गर्म होते ही मैं एक एक स्टिक इस तरह ऑयल में रख दूँगी। सो सारे स्टिक्स ऑयल में रखने के बाद हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैं इसे अच्छे से डीप ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये थोड़ा स्लो फ्राई होगा, लेकिन इस तरह हमें अच्छे से चारों ओर टर्न करके फ्राई करते रहना है। याद रखिए, जब टर्न करते वक्त आपको मीडियम फ्लेम कर रखना है और उसके बाद टर्न करना है, ताकि ये जल ना जाए एक साइड, और अच्छे से ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह मैं फ्राई कर लूँगी मेरे कबाब को। तो मैं इसे फिर से एक बार टर्न करके चेक कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो गया है या नहीं चारों साइड से। अगर फ्राई हो गया तो हम इसे निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा और फ्राई होना बाकी है, तो इस तरह टर्न कर चेक कर ले रही हूँ मैं। उसके बाद इसे जहाँ पर फ्राई नहीं हुआ उस तरफ टर्न कर रख दीजिए। तो ये कबाब फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। सो इसी तरह मैं अपने जो बाकी के कबाब्स हैं, इस तरह स्टिक्स रख कर इसे भी फ्राई कर लेकर रेडी कर लूँगी। इसे अच्छे से टर्न करना है, ताकि इस चारों ओर अच्छे से फ्राई हो जाए और सारे एक एक कबाब, कुछ भी कच्चा नहीं रहना चाहिए चिकन, तो इसलिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके, तो मैं इसे भी निकाल लूँगी। सो फाइनली गाइस, मेरे चिकन कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बने हैं। आप ये स्टार्टर्स में खा सकते हैं खाने से पहले। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस स्टार्टर्स है चिकन कबाब।
आई होप गाइज आपको चिकन कबाब की रेसिपी अच्छी लगी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट इट डाउन. थैंक यू एवरीवन.